जोहान सिन्हा के हाथों अब कौन बचाएगा रोमन रेंज को, क्योंकि सोलो सिकवा का तो खुद समझ नहीं आता होता कि यह रोमन रेंज के साथ है या फिर इसके खिलाफ। दोस्तों अभी तक स्मैकडाउन में जोहान सिन्हा ने एंट्री मारी, अब जाहिर सी बात है ये स्मैकडाउन में सब्जियों की रेडी लगाने तो बिल्कुल भी नहीं आया, और अगर स्मैकडाउन में इसकी टक्कर का कोई है तो वो है सिर्फ रोमन रेंज। तो रोमन रेंज और जोहान सिन्हा की जंग तो अब होकर ही रहेगी, मगर सवाल ये पैदा होता है कि कैसे। तो इसका आसान सा जवाब है ये छछुंदर जिमी ओसू। जी हाँ, जिमी ओसू ने बीत स्मैकडाउन में जोहान भैया से पंगा ले लिया। अब जिमी अगरचे एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, लेकिन ये है तो रोमन रेंज का ही खून, और बीते स्मैकडाउन में इसने रोमन की ब्लड लाइन में वापसी का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन ये सारे हैं ही गद्दार, रोमन को ना तो ओसोस ब्रदर्स पर भरोसा है और ना ही सोलो सिकवा पर, इसलिए जोहान सिन्हा जैसे शतर प्लेयर्स के साथ लड़ने के लिए रोमन को जरूर किसी की मदद चाहिए होगी। क्योंकि दोस्तों आपने देखा ही होगा कि जे ओसू जैसा बच्चा भी रोमन की ठीक ठाक धुलाई करके चला गया था, तो ऐसे में रोमन का जोहान सिन्हा के आगे टिक पाना जरा मुश्किल सा नजर आता है। इन सारी कंडीशंस को देखते हुए WWE जॉन क्वीन को स्मैकडाउन में डाल सकती है, क्योंकि ये रोमन की तरह समवन ब्रदर है, और तो और इसका हेयर स्टाइल्स और बाजुओं पर बने हुए टैटूज भी बिल्कुल रोमन की तरह ही हैं। हो सकता है कि जॉन क्वीन ब्लड लाइन को ज्वाइन कर लें और रोमन के साथ मिलकर जोहान सिन्हा के खिलाफ ऐलान जंग कर दें। वैसे अगर जोहान सिन्हा और रोमन रेंज की आपस में जंग होती है तो आप इन दोनों में से किसको सपोर्ट करने वाले हैं, नीचे कॉमेंट करके हमें भी लाजमी बताइएगा।